हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरे, न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स, एक डेंटल सर्जन होने के नाते लगभग मैंने हर विषय पे वीडियो बनाई है। मेरे कमेंट बॉक्स में ये बहुत सवाल आते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारी कैविटी ना बने। कैविटी बन जाए उसके लिए तो मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बताए हैं, समाधान बताए हैं। कैविटी ना बने इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैसे हमारे दांत बहुत स्ट्रांग और मजबूत हों। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक भी यही है, घर पर ही करें दांतों को मजबूत, हाउ वी कैन स्ट्रेंथन आवर टीथ एट होम। सो सबसे ज़रूरी जो न्यूट्रिएंट है वो कैल्शियम होता है, जो हमारी हड्डी को मजबूत करता है, दांत के एनेमल को मजबूत करता है, जॉ बोन को मजबूत करता है, या यूं कहें ये तो कैल्शियम एक बहुत अच्छा दोस्त है दांतों का। इसे हाइपोकैल्सेमिया भी कहते हैं, जहां कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से दांत खराब होने लगते हैं, घिसने लगते हैं, ये कैल्शियम की कमी है। या यह कहें कि पता कैसे चले कि कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी आ गई है। और अपने अक्सर देखा होगा जिनके माउथ में कैल्शियम की कमी होती है उनके दांत बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए पता करने के लिए एक ब्लड टेस्ट है, आप ब्लड टेस्ट कराएं, आपको पता लग जाएगा कि कितने दांत में कैल्शियम की कमी है या हमारे शरीर में कितनी कमी है। तो फ्रेंड्स, ये बातें तो होती रहेंगी। जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगर हाँ, हम बात कर रहे थे कि अगर कैल्शियम हमारी बॉडी में कम होगा तो वो दांतों से और हड्डी से अपना कैल्शियम ले लेगा, और कैल्शियम लेने के बाद आपके दांतों में कैविटीज़ बन जाएंगी, या यूं कहें जॉ बोन वीक हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। तो इसको हमें जब भी हम लेते हैं तो उसको शुरू कर देनी चाहिए, कैल्शियम की सपोर्ट हमें चाहिए। अगर कमी होगी तो क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे टूथ डिके होगा, रूट्स वीक हो जाएंगी, दांत ब्रिटल हो जाएंगे, जैसे कहते हैं ना भुरभुराने शुरू हो जाएंगे, और ऑस्टियोपोरोसिस डेफिनेटली हो जाएगा। तो बहुत सी मेडिकल एलिमेंट्स भी इसी के रहते स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें कैल्शियम को पूरा अच्छा बॉडी में ध्यान रखना है। अब ये सवाल आता है कि हमारी बॉडी को कितना कैल्शियम हर रोज़ चाहिए। हमारी बॉडी को 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे हमें कैल्शियम चाहिए, 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे। अब हमारे सामने एक बात आती है कि हम इस कैल्शियम को पूरा कब कैसे करें। पूरा यानी एक मेडिसिन के तरीके से हो सकता है या घरेलू समाधान हो सकते हैं। घरेलू समाधान में आपके डाइट प्लेट के अंदर, खाने की प्लेट के अंदर ये डाइट अगर आप ऐड करते हैं तो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो रिच सोर्स क्या क्या हैं कैल्शियम के, जो हमारा एक मित्र है, मैंने आपको बताया दांतों के लिए बहुत सहायक होता है। सबसे पहले आता है मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स दूध, पनीर, दही और इस तरह की चीज़ें आप अधिक लें। फिश जो लोग खाते हैं, नॉन वेज है, वो फिश ज़रूर लें। एलमंड्स या कहें बादाम, बीन्स, टोफू, सीड्स, पालक और ऑरेंज जूस, इस तरह की डाइट अगर आप लेते हैं तो कैल्शियम की काफ़ी हद तक कवरेज हो जाती है। जैसे विटामिन सी हम लेते हैं तो डेफिनेटली ये कवर करता है। और अब आते हैं हम मेडिसिनल सपोर्ट, जो आपको एक केमिस्ट काउंटर से मेडिसिन मिल जाएंगी, पर ध्यान रहे कि इसे थोड़ा फिजिशियंस की देखरेख में लें। यानी जब फिजिशियन आपको कहे तो एक बेटर है कि कौन सा कैल्शियम और किस समय लेना है और किस मात्रा में लेना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे डेंटल के रिलेशन में अगर हम बात करें तो इसमें एक टैबलेट पर डे 2 महीने अगर आप लेते हैं, कैल्शियम की टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट कहा जा सकता है। इसमें मेनली जो काउंटर पे अवेलेबल होती हैं, जेमकिल है, कैल्जिटो है और इस तरह की टैबलेट्स आती हैं, उसको आप वंस इन ए डे ले लें। और एक इसके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी ही एक ऐसा
विटामिन है जो हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए दिस इज बेसिकली ये सपोर्टिव मेडिसिन। इसके लिए आप एक कैल्सीट्रॉल का सैचे आता है, उसको मिल्क में आप रात को हफ्ते में एक बार लें, तो आप 8 हफ्ते अगर वो लेते हैं 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स, तो आपके कैल्शियम का जो है सपोर्ट भी मिल जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी खत्म हो जाती है, क्योंकि आजकल लोग धूप में तो कम ही बैठते हैं तो विटामिन डी कम मिलता है। तो दोनों एक प्रकार से कैल्शियम और विटामिन बहन भाई हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। एक प्रिकॉशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किडनी स्टोन्स के जो पेशेंट्स हैं वो ध्यान रखें, या बहुत अधिकता में अगर आप कैल्शियम ले लेते हैं तो किडनी स्टोन्स होने का थोड़ा सा खतरा रहता है, और एक ओबेसिटी मोटापा भी इससे बढ़ता है, बोन्स हैवी होती हैं। तो ये थोड़ा सा अपना फिजिशियन से एक कंसल्ट कर लें और इसको लेते रहें किस मात्रा में लेना है। और अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की केयर आप ज़रूर करें, ब्रशिंग ट्वाइस ए डे करें अगर आपने दांतों को मजबूत रखना है, फ्लॉसिंग लोग करते हैं, मेरी हर वीडियो पर लगभग एक वीडियो बनी हुई है हर टॉपिक पर, और एक माउथ वॉश ज़रूर करते रहना चाहिए, चाहे लिस्ट्रीन करें चाहे नॉर्मल एक करें, और एक रेगुलर डेंटल चेकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वो साथ करते रहें तो आपको काफ़ी हद तक कैविटी होने से आपके दांत बच सकते हैं, घिसने से बच सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, कोशिश करें हर खाना खाने के बाद अपने माउथ को रिंस कर लें, ना फूड लॉजमेंट होगा ना डिके होगा, और कैविटी से काफ़ी हद तक आप बचे रह सकते हो और दांत भी बहुत मजबूत हो सकते हैं। ध्यान रखें, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको यूज़फुल लगा हो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एक बार फिर से आपका बहुत थैंक्स कि आपने हमें सहयोग दिया और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत कम समय में पूरे हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच। और 2 ऐसी वीडियोस हैं जिसमें 1 मिलियन हमने व्यूज़ भी हो गए हैं, थैंक टू यू। एंड आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दांतों का ध्यान रखें, डेफिनेटली दांत आपका ध्यान रखेंगे।